मिशन तुगलकाबाद के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो जवान वो वीर जो आगे बढ़ के आए, निश्चित रूप से हमारे घरों में यदि कभी कोई संघर्ष की बात आती है, कोई भी आदमी यदि किसी बाप को ललकारने के लिए जाता है तो बेटा सबसे पहले आता है और वो अपने प्राणों की आहुति चाहे अपने शरीर की आहुति वो देता है। इसी प्रकार हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया कि वो जेल में गए, ये जेल में जाना उनके लिए बहुत ही श्रेय की बात है और बहुत ही गौरव की बात है। इसको इस प्रकार से लेना चाहिए, जब कभी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी तो जो लोग उस समय जेल गए थे, उस समय घर के लोगों को लग रहा था कि इन्होंने बेकार का काम किया है, लेकिन बाद में आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में वो देश में पूजे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जब दूसरा शासन आया तो उन्होंने भी इस प्रकार की जो जेल में गए और उन्होंने भी अपने को जो स्थापित किया कि जेल में जाने से यदि देश हित के लिए कोई जेल जाता है, समाज हित के लिए कोई जेल जाता है, तो निश्चित रूप से उनका बलिदान, उनके लिए कुर्बानी जो दी जाती है वो गौरव और गरिमा की बात होती है। मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम नौजवान साथियों को इस मंच के माध्यम से साधु संतों से निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकार का उनको आशीर्वाद दें और निश्चित रूप से ये जो मिशन तुगलकाबाद है ये केवल अभी दो पेशी हुई है, दो पेशी और होंगी, हमें 16,000 वर्ग फुट जमीन मिलेगी। 2,000 वर्ग फुट पहले मिली थी, दूसरी पेशी में 4,000 हो गई, अब इसकी अगली पेशी में 8,000 होगी और उसकी अगली पेशी में 16,000 होगी। ऐसी मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो हमारी इस कामना को पूरी करें। जब मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ कि गुरु रविदास महाराज आपकी कौम के सबसे बड़े निशान हैं, आपकी कौम की सबसे बड़ी पहचान है, आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए गुरु रविदास महाराज का जो मंदिर तुगलकाबाद में तोड़ा गया वो एक बड़ी साजिश के तहत तोड़ा गया, वो ऐसे नहीं तोड़ा गया। इससे हमारी भावनाओं, हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है, हमें बहुत दुख बहुत तकलीफ हुई है। इसी तरह से उन्होंने हमारे गुरु जी का अनादर किया, उनका अपमान किया, उनकी मूर्ति तोड़ के उनके साथ अत्याचार किया, जुल्म किया। जो आंध्र प्रदेश से सज्जन आए हुए थे मिस्टर के राजू, उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि ये इस मंदिर का तोड़ना और उनकी मूर्ति को हटाना ये SC ST एक्ट के अंदर एक ऑफेंस है और इसमें इस ऑफेंस के लिए FIR फाइल करनी चाहिए। मैंने ये पहले भी 2-3-4 बार ये बात कही है कि ये SC ST एक्ट के अंदर ये ऑफेंस है और इसके अंदर इसकी कंप्लेन फाइल होनी चाहिए, शिकायत फाइल होनी चाहिए। ये क्योंकि गुरु जी यूरिस्ट पर्सन है, एक लिविंग पर्सन है और उनके साथ जो भी अत्याचार होता है उसके लिए कंप्लेन फाइल होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस एजिटेशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो भी संत महात्मा इसमें फैसला लेंगे, जो भी इस पे फैसला करेंगे, उसके लिए हम उनके साथ हैं, तय दिल के साथ हैं। हम उनके हर तरह से, जिस तरह से भी, जो भी हमसे योगदान चाहे, हम देने को तैयार हैं। और मैं चाहूँगा कि सारा समाज आपका, SC ST कम्युनिटी जितने भी हमारे समाज के हैं, वो गुरु महाराज की उसकी प्रतिमा को, उनकी इज्जत वापस करने के, उनकी इज्जत को पूरा रिस्टोर करने के लिए गुरु महाराज जो भी संत महात्मा इस एजिटेशन को चला रहे हैं उनके पीछे चले, उनके साथ चले और साथ मिलके अपनी, ये आपकी अपनी ही इज्जत की बात है और गुरु महाराज की इज्जत की बात है, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो आज तक धरना प्रदर्शन ही चला आ रहा है और जो हमारे बच्चे, समाज के जो सूरवीर, जिन्हों को गवर्नमेंट ने पकड़कर जेल में बंद किया हुआ था 31 अगस्त से लेकर आज तक, तो आपको पता मिल चुका है कि वो भी रिहा हो चुके हैं। जे भी आपकी मेहनत रंग ले आई है और जो हमें इतनी खुशी हुई कि उन्हें कोई भी उन पर इल्जाम नहीं लगा, जो लगे थे वो हटाए गए। जे किन्नों की मेहनत है, सब आप समाज की और संतों की। संतों ने बड़े कड़े संघर्ष किए हैं
बड़े सख्त सख्त संघर्ष किए हैं, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। तो आज हम सबको ये देखना चाहिए कि जो हमारा परमपिता सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज है, उनको मानने के लिए हम तत्पर रहते हैं और हम उनकी संतान हैं। तो हमें ये जरूरी जानना है कि जहाँ जहाँ गुरु जी पर कोई इस तरह का कानूनी हरकत जो आज दी सरकारां कर दिया ने, ते इकट्ठे हो करके हमें इसे जूझना होगा। तो गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मद पर मखीरा। जब हम सब एक हैं तो हमारी मंजिल दूर नहीं है, नज़दीक ही है। हमारे साथ संतों का आशीर्वाद है, हमारे साथ हमारा समाज है। तो ऐसे ही आपने गुरु जी के वचन को लेकर एक जुट रहना है, इकट्ठ रखना है। तो गवर्नमेंट की क्या मजाल है जो हमें गुरु जी का मंदिर भी देगी और जगह भी देगी, और हमें इतना गर्व है कि आप समाज से वो माफ़ी भी मांगेगी जो उन्होंने गलती से गुरु जी का मंदिर तड़वा कर बहुत बड़ी भूल की है। सो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा संघर्ष उतना चिर जारी रहेगा जितना चिर हमें पूरी जमीन नहीं मिल जाती। ये गुरुदेव जो बोले सो नर पे बिस्वा, सात बिस्वा जो जमीन दी थी पूरी जमीन के लिए संघर्षशील थे। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक मित्र हैं बुंदेलखंड की माटी से, विराग गुप्ता के माध्यम से जाने का मौका मिला। और हम लोगों के चूंकि सब लोग जाने के उसमें, मैं मूल में केवल आज हम लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद भी एक ही बात कही थी कि सरकार की नीयत का हमें पता चला। कोर्ट में स्वयं जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी भी पोर्टा केविन में संत रविदास नहीं बैठ सकते। जिनके देश में 2500 करोड़ अनुयायी हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में पूरा उनका दोहे से समाहित आशीर वचन है, उनको एक पोर्टा केविन में नहीं बिठा सकते। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। और आज 400 मीटर की उन्होंने कहा है। तो हम लोगों ने कहा अभी तो हम लोगों की ये निर्णय स्वागत योग्य है कि हमारे भाई बिना शर्त के छूट रहे। ये भी ठीक है कि लैंड का आप डी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि सिकंदर शाह लोधी ने 1509 के अंदर संत गुरु रविदास के चरणों में ये जमीन समर्पित की थी। तो इस पर कोई ना फॉरेस्ट लगता है ना डीडीए लगता है। राजेश भाई ने एक बहुत बड़ी याचिका डाली थी, इन्होंने कहा था कि जिन्होंने ये हिमाकत की है डीडीए के अधिकारी, उनको जेल के सीखों के अंदर होना चाहिए। जिन्होंने मंदिर की पवित्र माटी में, हमारे बीच में ऐसे ऐसे संत हैं, संत श्री 108 सुखदेव महाराज, हम उस दिन अशोक भारती जी के साथ गए, उन्होंने इतने स्नेह से लंगर खिलाया, एक माँ भी अपने बेटे को नहीं खिलाती। अभी भी जो उनकी भावना है वो भावना सबको लेके चलने की है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम संत रविदास के लिए अभी जो निर्णय हुआ है कोर्ट का, उस निर्णय को पूरा नहीं मानते जब तक हमें पूरी जमीन नहीं मिले और इसका प्रबंधन आप पर नहीं रहे। सरकार के दलाल उसमें प्रबंधन करें, ये मैं समझता हूँ कि ये
चूंकि कोर्ट ने निर्णय दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इस पर हमारे वकील ने भी घोर आपत्ति की थी कि पूरी जमीन मिलना चाहिए और जो प्रबंधन है वो समाज के द्वारा होना चाहिए। मैं पुनः आपको ये बताता हूँ कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, हम झांसी से सांसद थे अशोक भाई साहब जानते हैं, और चूंकि हम हो या राजेश भाई हो, हमने प्रियंका जी से भी बात की, आप लोग भी गए थे, पूरी की पूरी हमारा जो दल है, हम कोई इसमें राजनीतिक लाभ नहीं चाहे थे, लेकिन संत गुरु रविदास का नाम आते ही पूरी दुनिया के अंदर एक ही बात आती है कि अगर गरीबों के राम कोई हैं, इस आम आदमियों के राम पूरे दुनिया के अंदर कोई है तो वो संत रविदास है, और इनका मंदिर किसी भव्यता से कम नहीं बनना चाहिए। और इसमें तो मैं आपको यही वचन देता हूं और पुनः अपनी भावना प्रेषित करता हूं कि हम लोगों ने आज अगर एक सीढ़ी पर पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। हम सरकार की अगर नीयत ठीक हो, क्योंकि हमें सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो वो जमीन जो राजस्व विभाग में चढ़ी है वो पूरी जमीन दे, भव्य जमीन दे और प्रबंधन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।